धरती पर ऐसे ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप। यह दुनिया तरह तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक हमने देखा भी नहीं है और ना ही उनके बारे में हम जानते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भगवान ने क्या क्या बनाया है। थॉर्नी डेविल नाम का ये जीव ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेंगने वाले ये कीड़े चींटियों के बिल के बाहर नजर गड़ाए रहते हैं और अपनी लंबी जीभ से खींचकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और खा जाते हैं। ये है चलने वाली मछली जो मेक्सिको में पाई जाती है। ये है तो मछली ही, लेकिन इनके चार पैर भी होते हैं और ये तैरने के बजाय पानी के नीचे जमीन पर चलती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मछली नहीं बल्कि मेंढकों की एक प्रजाति है। इस जीव को देखने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये मकड़ी है या केकड़ा। दरअसल यह दोनों का मिलाजुला रूप है जिसे जापानी मकड़ी केकड़ा कहा जाता है। इनका कद 16 इंच तक हो सकता है। इनमें से कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ 650 फीट गहरे पानी में भी रह लेते हैं। ये है गॉब्लिन शार्क। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में रहने वाली यह मछली दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा प्रजातियों में से एक मानी जाती है। ये इंसानों के लिए खतरा नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ छोटी मछलियों को खाती हैं। इस जानवर का नाम है आई। यह बंदरों की एक प्रजाति है जिसकी उंगलियां लंबी लंबी होती हैं। ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं, बमुश्किल ही नीचे उतरते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर रात में ही बाहर निकलते हैं। आई अफ्रीकी देश में डागास्कर में पाए जाते हैं। वहाँ के लोग इस जानवर को अपशगुन मानते हैं। इसका नाम है गेको जो छिपकली की एक प्रजाति है। इसकी लंबी सी पूंछ होती है और ये गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं। यही वजह है कि ये बड़ी ही आसानी से अपने शिकारी से बच जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग छोटे गेको को पालते भी हैं। इसे कहते हैं जाइंटाइसोपॉड। ये महासागर के गहरे पानी में रहते हैं और अधिकतम 1 फुट तक के होते हैं। ये केवल मीट खाते हैं और पेट भर कर खाते हैं। इनकी आँखें बिल्ली जैसी होती हैं जो इन्हें रात में भी देखने लायक बनाती हैं। ये है दबा मछली जिसे दुनिया का सबसे खराब दिखने वाला जीव माना जाता है। ये मछली ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाती है। यह दिखने में भले ही अजीब लगती हो लेकिन यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।